हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री हैंडक्राफ्ट। फ्रेंड्स, आज हम क्रोशिए से कान्हा जी के लिए मुकुट बनाएंगे, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसको मैंने दो कलर में बनाया है, ऑरेंज और मेहरून कलर में। ये देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैंने एक मोर पंख क्रोशिए से बना के स्टिच किया हुआ है और पीछे भी एक स्टिच किया है हमने। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये मुकुट का वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई ऊन लिया हुआ है। सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे, आप किसी भी ऊन से बना सकते हो। और इसमें हम चैन बुनेंगे। चैन इसमें हमारा टोटल 50 बुनेंगे हम, क्योंकि हम 3-4 नंबर कान्हा जी की मुकुट बना रहे हैं। तो चलिए ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। तो देखिए, हमारा चैन कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें 3 एक्स्ट्रा चैन लेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया होगा फर्स्ट। अब हम चौथे वाले चैन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। पूरी चैन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है इस तरीके से। हमें बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, हमें पूरी चैन के ऊपर डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेनी है। बनाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से फंदे लेना है और फिर ऐसे बना लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। पूरी चैन के ऊपर हम बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर का धागा लगाएंगे। हम यहाँ पे मेहरून कलर की ऊन लगा रहे हैं और इस रो में, सेकेंड वाले रो में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये पूरी रो पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, हमें जितना हमारा लूप है उस लूप में हमें बुन लेना है इस तरीके से। तो चलिए ये रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, ये पूरी रो पे हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया रो। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो में हमारी ऑरेंज कलर ही रिपीट करेंगे हम फिर से। आप उसकी जगह दूसरी कलर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ऑरेंज कलर से ही बनाऊंगी क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है ये कलर। तो देखिए, इस तरीके से धागे को हम इसमें गांठ लगा लेते हैं ताकि ये खुले ना। थर्ड रो में हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद सारे लूप्स के अंदर हमें डबल क्रोशिया बुन लेनी है। जैसे हम पिछले रो में बनाए थे फर्स्ट राउंड में, वैसे ही हमें इस रो को भी कंप्लीट कर लेनी है। ये धागे को भी हम इसी के साथ बुन लेंगे ताकि दिखे भी नहीं और खुले भी नहीं, और इससे फिनिशिंग बढ़िया आती है। और हमें ये पिछले वाला जो हमारा चोटी के जैसा दिख रहा, ये पीछे वाले फंदे में हमें बनाना है, आगे वाले में बिल्कुल नहीं बनाना है। तो चलिए ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए, थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम धागे को काट लेंगे यहाँ पे गांठ लगा के। हमें इतना ही चाहिए मुकुट के लिए। अगर आप इससे बड़े कान्हा जी को बनाना चाहते हैं टोपी, तो इसमें एक लाइन और बढ़ा दीजिए डबल क्रोशिया का, फिर हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा हो गया। ये हमारा नीचे का साइड है और ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड। हमें उल्टे साइड से इसको स्टिच करना है मुकुट के शेप में। हम अपनी उंगलियों में ऐसे फंसाएंगे और फिर इन दोनों हिस्सों को पीछे की तरफ ले जाएंगे
यहाँ पे और दोनों हिस्सों को हम स्टिच कर लेंगे। उसका निचला वाला सिरा हमें स्टिच कर लेना है। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ कैसे करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे हम और दोनों में से हम एक एक फंदे को उठाएंगे। इस तरीके से और हमें स्टिच कर लेना है। हमें खींचना बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको, नहीं तो हमारा लंबा हो जाएगा, फिर खींच जाएगा ये। तो हमें आराम से इसको अच्छे से सिल लेना है। मैं चलिए आपको सिल के बताती हूँ। तो देखिए ये हमारा दोनों सिल गया। अब हम ये दोनों साइड हमारा थोड़ा थोड़ा बचा है, ये दोनों साइड को भी हम अच्छे से सिल लेंगे। तो देखिए ये हमारा एक हो गया। अब दूसरे वाले को भी हम उसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर लेना है हमें। और ये साइड में हमें देखिए इस साइड में थोड़ा थोड़ा बचेगा, यहाँ पे हमें अच्छे से सिल लेना है। थोड़ा थोड़ा हमें सिलना है, दो तीन स्टिचेस लगानी है हमें यहाँ पे। यहाँ पे एक और स्टिच लगा लेते हैं हम, ताकि परफेक्ट शेप आए इसका। अब हम इसी धागे को उस साइड ले चलेंगे, फिर उस साइड भी हम इसी धागे से स्टिच कर लेंगे। मैं बड़े बड़े स्टिचेस डाल के फिर इस साइड कर ले रही हूँ। अब यहाँ ये हमारा दो तीन स्टिच यहाँ भी लगेगा हमारा। देखिए अब यह हमारा स्टिच हो गया। अब हम अच्छे से गांठ लगा के धागे को काट लेंगे। देखिए यह हमारा मुकुट स्टिच हो गया। अब हम इसको देखिए चारों तरफ से हमने अच्छे से स्टिच कर लिया। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। हमने सीधी साइड से लगाना है, इस पे जो भी डेकोरेशन करना है वो। हम उल्टे साइड से स्टिच कर रहे थे। ये जो धागा दिख रहा है इसको अंदर की तरफ फिनिश कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा मुकुट बन के तैयार हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी पहना सकती हैं और इसमें थोड़ा सा बुन के और भी डिजाइन बना सकती हैं। तो चलिए हम बुन लेते हैं। मैं ब्लू कलर से मोर पंख बनाऊंगी छोटा सा। ये देखिए हम इसमें पांच चैन लेंगे, एक दो तीन चार, ये पांच, और ये इसकी एक रिंग बना लेंगे छोटी सी। अब इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया
टोटल 6 बना लेंगे। हमें 6 हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरीके से हमने पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करना है, हमें हाफ सर्कल ही रखना है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम धागे को काट लेंगे। अब हम यहाँ से दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे। मैं इसके बाद ग्रीन कलर लगाऊंगी और ग्रीन कलर से एक रो कंप्लीट करूंगी इसकी। देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं धागे को और यहाँ हम 3 चैन बनाएंगे। एक, दो, ये 3, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। अब हमें इसमें सारे लूप्स के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमें साइड साइड एक एक डबल क्रोशिया रखनी है और बीच में जितने लूप्स हैं सारे लूप्स के अंदर हमारा दो दो डबल क्रोशिया बनेगा। तो चलिए मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम धागे को काट लेते हैं। अब हम यहाँ पे तीसरा रो हम येलो कलर से बनाएंगे, ऑरेंज कलर से। इसके लिए हमें यहाँ पे 3 चैन लेना है और हर लूप्स में हमें सिंगल क्रोशिया बुन लेना है। 3 चैन लेंगे फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें सारे लूप्स के ऊपर ऐसे ही बुन लेना है, ये इस तरीके से 3-3 चैन लेके और सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर लेना है। ये रो हमारी ऐसे ही कंप्लीट होगी और ये हमारा बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे लगा लेंगे मुकुट के ऊपर। अब हम एक और बनाएंगे पीछे लगाने के लिए, वो इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम। आप चाहें तो इसी तरीके से भी बना सकते हैं बड़ा, या फिर अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं मैजिकल नॉट लगाऊंगी और इसके अंदर 8 सिंगल क्रोशिया बुन लूंगी। हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है इस रिंग के अंदर। इस तरीके से तो देखिए ये हमारा टोटल 8 हो गया। अब हम इस धागे को पकड़ के, ये जो धागा दिख रहा है हमारा, ये धागा, इस धागे को पकड़ के खींच लेंगे हम सर्कल नहीं बनाएंगे, हमें हाफ सर्कल बनाना है। ये देखिए
ये हाफ सर्कल बन गया हमारा। अब इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। हम इसी कलर से बना रहे हैं, आप चाहें तो दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। यहाँ तीन चैन लेंगे और हर लूप के अंदर हमें दो दो डबल क्रोशिया बना लेनी है। स्टार्टिंग में हमारी एक डबल क्रोशिया रहेगी और दोनों साइड एक एक डबल क्रोशिया और सारे लूप्स में बीच में दो दो डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए, तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर ऑरेंज की रो बनाएंगे। हमने ऑरेंज धागा ज्वाइंट कर लिया। अब इस पे हमें हर रो में डबल क्रोशिया बना लेनी है, हमें बढ़ाना नहीं है इस रो में। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया और ये हमारा हमने धागा काट लिया। अब हम दूसरे कलर के धागे से बनाएंगे। ये हमने मेहरून कलर जोड़ लिया। यहाँ तीन चैन लेंगे और हमें तीन एक्स्ट्रा चैन लेना है और यहाँ पे पीको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। ये पीको स्टिच करना बहुत ही आसान है। हर लूप के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे तीन चैन लेंगे और जो हमारा फर्स्ट वाला नीचे वाला चैन है उसमें हम क्रोशिया डाल के पास कर लेंगे धागे को और यह हमारा स्लिप नॉट बन जाएगा। इसी तरीके से ये रो हमारी कंप्लीट होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको मुकुट में स्टिच कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे हम स्टिच कर लेते हैं और इसको यहाँ पे। देखिए इस तरीके से पकड़ के अंदर से हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे इसको। और इसको यहाँ पे कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा मुकुट बनके तैयार हो गया। ये बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।